हेलो एवरीवन, रवि द्विवेदी आपका फ्रेंड। आज का जो ट्रेड डिटेल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, और क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया और कैसे पोजीशन साइजिंग थी। ठीक है, सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो 2,967.50 का प्रॉफिट हुआ है। मॉर्निंग में मैंने पहले 34,700 का कॉल ऑप्शन लिया था, इसमें मेरे को थोड़ा 200-400 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद नीचे जाने लगा तो मैंने इसको कट किया, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग से अच्छा मोमेंटम हो चुका था। ठीक, इसको मैंने 500 के उसमें कट किया। फिर उसके बाद मैंने 34,700 का पुट ऑप्शन लिया, क्योंकि मार्केट वहाँ 700 के लेवल पे, 34,700 के लेवल पे स्टक कर रहा था। इसलिए वो रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन का लिया। और पुट ऑप्शन में क्या कहते हैं, ही वो फिर लेने के बाद ही मेरा थोड़ा नीचे जाने लगा, तो मैं उसको जल्दी कट किया। ठीक, क्योंकि मेरा लॉस इसमें 3,000 का लिमिट का था, लेकिन वो फास्ट मूव हुआ तो 4,800 के आसपास मेरा लॉस कटा। तो ये मॉर्निंग में दो ट्रेड मिला के मेरा 5,300 रुपये का लॉस हो चुका था। उसके बाद मैं कूल था, ठीक है, लॉस है, मतलब पार्ट ऑफ गेम है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना लॉस को कंट्रोल में रखना चाहिए हमेशा। फिर उसके बाद मैं वेट करने लगा। उसके बाद जब वेट किया तो उसके बाद मेरे को दिखने लगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा था, मतलब जो पुट का प्राइस ऊपर, मतलब नीचे गया था, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट वहां से बाउंस बैक लेके ऊपर जाने लगा। तो फिर मैंने तुरंत वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब की और यहाँ पे 34,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा। तो इसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया था 5,935। तो कुल मिला के ये लास्ट में मेरे को ओवरऑल 5,300 माइनस इन दोनों ट्रेड में मिला के, और 5,900 प्लस मिला के 600 का प्रॉफिट था। फिर लास्ट में जब मार्केट अच्छा गिरने लगा तो बॉटम में मैंने यहाँ पे एक क्विक स्कैल्पिंग की और इसमें मेरे को 2,300 रुपये मिल गया। ये ओवरऑल देखोगे तो 2,900 का है, और मेरे यहाँ पे 4 ट्रेड हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे मान के चलो कि 2,200-2,100 रुपये कुछ मिलेगा ओवरऑल। फिर ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ मैं, कहाँ वहाँ पे मेरी एंट्री थी, कैसा था। तो यहाँ ऑर्डर विंडो अगर आप देखोगे, 34,700 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया यहाँ पे 12:57 में, 100 क्वांटिटी, 406.95, 407 मानो, तो 401.89 में कट किया मैं, उसमें मेरे को लॉस हुआ 500 रुपये का समथिंग। ठीक, फिर उसके बाद 1:20 को मैंने फिर से ट्रेड किया, और ये लेस देन 1 मिनट का ट्रेड था, ऑलमोस्ट लाइक 1 मिनट का ट्रेड था। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 200 रखी थी, क्योंकि मेरे को वहां से दिख रहा था कि वो वाला पुट ऑप्शन अब बढ़ेगा, मोमेंटम डाउन साइड की तरफ जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये मेरा सही ट्रेड था, इसको अगर होल्ड रखता तो मैं लास्ट तक, आप देख सकते हो ये 34,700 के पुट ऑप्शन 750 में गया, ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 30,000 तक का प्रॉफिट होता 200 क्वांटिटी में। लेकिन ठीक है, उस समय मैं क्या करता हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मेरे को मतलब मैं जहां पे एंट्री लेता हूँ वहां से मेरे फेवर में मोमेंटम आना चाहिए, नहीं आया तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि वो वहां से फास्ट मूवमेंट आता है, ऑप्शन के प्राइसेस ऐसे ही मूव होते हैं, फास्ट मूव करते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स में, लेवल्स पे। तो यहाँ पे मैंने 34,700 का पुट ऑप्शन लिया और यहां से ही इसने रिवर्स करके नीचे जाने लगा, तो मैं इसको 400 के आसपास कट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया लगभग लगभग कितने पॉइंट का, आप देख सकते हो 23 पॉइंट का, तो वही समथिंग, मतलब 200 क्वांटिटी थी तो 4,600 समथिंग का लॉस हो चुका था, 4,700 का। तो ये दोनों ट्रेड मिला के मेरा 5,300 का लॉस था। फिर उसके बाद जब ये वाला ट्रेड मैं देखा कि रिवर्स हो रहा है, तो मैंने फिर अपना तुरंत माइंड चेंज किया और 1327 का कॉल ऑप्शन को ट्रेड लिया, 34,600 के कॉल ऑप्शन को, 200 क्वांटिटी थी, 454 में एग्जिट एंट्री हुई, 484 में एग्जिट हुआ, मतलब 30 पॉइंट मेरे को मिला। और यहाँ पे एंट्री अगर आप देखोगे 1:27.04, 1:27.43, मतलब लगभग लगभग ये आप देखोगे 30-35 सेकंड का ट्रेड था, क्योंकि क्विक मोमेंटम मिलता है जब भी मैं एंट्री लेता हूँ, वहां से क्विक मोमेंटम होता है, वैसी ही जगह ही एंट्री लेता हूँ मैं कि जहां पे क्या कहते हैं आपका क्विक मूव होता है। ठीक, वहां से मेरे को 10-20-50 पॉइंट मिला, मैं निकल गया। और उसके बाद अगर फिर देखोगे लास्ट में फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला लंच ब्रेक के बाद, तो मैं यहाँ पे 15:25 3 सेकंड और 15:25 8 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का ट्रेड हुआ, ये लेस देन 5 सेकंड का, 450 में एंट्री, 462 में एग्जिट। तो यहाँ पे मेरे को मतलब जो ब्रेक इवन 600 का प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे मेरे को लगभग लगभग यहाँ पे 200 × 12 पॉइंट मिलकर 2,400 के आसपास, वही 3,000 के लगभग लगभग प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा ओवरऑल ट्रेड डिटेल था। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मैं वो करता हूँ, आपको पॉप आउट करता हूँ, तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो ये देखोगे अगर आप। ठीक, इसको थोड़ा पीछे करके आगे करते हैं। ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है, ये मैं बताऊंगा क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ पे बैंक निफ्टी खुला और कंटिन्यूअसली अप गया, एक अप मूव दिया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर अप मूव गया। अब ये जो है ये R2 कहलाता है, ये पिवोट पॉइंट P
R1, R2, इसके नीचे S1, S2, ये सपोर्ट होता है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेता है। तो हुआ क्या कि जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, टच किया, एक रिवर्सल कैंडल दिया, ठीक, तो यहीं पे मेरी पुट ऑप्शन में एंट्री थी, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तुरंत प्राइस वहां से रिवर्स हो गया, इसीलिए मैं वाले पुट ऑप्शन 34,700 पुट ऑप्शन में 4,000 का, 4,500 का लॉस लेके एग्जिट कर गया, ठीक। उसके बाद फिर जब मैं देखा तो यहाँ पे जब ये मोमेंटम कैंडल बन रही थी, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने फिर से रिजेक्शन लिया यहाँ पे, तो ये मतलब एक डबल टॉप बन गया, फर्स्ट टॉप ये हुआ, ये सेकंड टॉप हुआ, तो डबल टॉप मतलब एक चार्ट पैटर्न होता है। तो वहां से जब रिजेक्शन लेके नीचे जाने लगा, तो अब यहां से कंफर्मेशन मिल रहा था कि हाँ अब ये नीचे मतलब मूव करेगा, ठीक। तो इसके बाद आप देखोगे ये छोटा सा रेंज बनाया, रेंज के बाद कितना फास्ट मूव दिया डाउन साइड में, तो यहाँ पे जितने भी बायर लोग थे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस फास्ट मतलब लेस देन 2 आवर्स में पूरा करेक्ट हुआ, प्राइस यहाँ से डाउन गया। और एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, जब मैं वो 34,800 का कॉल ऑप्शन लिया, 34,800 का कॉल ऑप्शन लिया था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ से बाई करने के बाद ही आप देखोगे ये बड़ी सी कैंडल आई और ये ऊपर गई यहाँ तक, ठीक। और इसको अगर अपन चार्ट पैटर्न में एग्जैक्टली देखते हैं क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 34,600 का कॉल ऑप्शन जिसको मैंने ट्रेड लिया था, और इसको करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक। ये 34,600 का कॉल ऑप्शन, अब यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे मेरा कितना है, एंट्री का टाइम कितना था, मैं इसको वो करता हूँ पहले ऑर्डर विंडो में, तो 34,600 का कॉल ऑप्शन की एंट्री हुई थी 454.99 में, हाँ 454.99 में, 455 में, और टाइम कितना था, 1:27.04। तो अगर अपन जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 1:27 वाली कैंडल, तो ये 34,600 का कॉल ऑप्शन लगा है, और ये यहाँ पे टाइम अगर आप देखोगे ये तो 1:22, ये 1:26, तो 1:27, तो इस कैंडल में बड़ी वाली कैंडल में मेरी एंट्री होती है, ठीक। 1:27 में ही एंट्री होती है और 1:27 में एग्जिट हो जाता है, 454 से 484 प्राइस गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 454 है, 1:27 मतलब 454 मतलब मैंने यहाँ इस पॉइंट में कहीं एंटर किया, राइट साइड में आप प्राइस देख सकते हो 454.22 ऐसे दिखा रहा है, तो 454 में एंट्री हुई मेरी और ये ऊपर फ्लो फ्लो में 485 तक गया, तो मैं यहीं पे इसको 484 के लेवल में यहीं पे एग्जिट किया। उसके बाद भी देखोगे आप सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर यहां तक गया, 509 तक गया, तो होल्ड भी रखते तो इसमें एडिशनली अपने को 484 से अगर आप काउंट करोगे तो लगभग लगभग 20-25 पॉइंट और मिल जाता, तो वो मतलब 2-4 हज़ार रुपये यहाँ से भी बन जाता, लेकिन ठीक है फ्लो में मोमेंटम मिला एग्जिट। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक ना। स्कैल्पिंग बहुत ही आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, माइंडसेट आपको बहुत सही रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो गलती से सोचो आप अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लिए सबसे टॉप में इस पॉइंट में कि आपको दिख रहा ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लिए 500 के लेवल पे, तुरंत ही देखोगे 500 से प्राइस आ गया 428, और अगर आप होल्ड कर रहे हो उसको एग्जिट नहीं कर रहे हो तो फिर देखो उसके बाद क्या होता है, 440 से सीधे प्राइस आ जाता है 226, मतलब मोर देन 200 पॉइंट्स का फॉल हो गया विद इन स्पैन ऑफ 1:56, और यहाँ पे क्या है 2:07, 2:06, मतलब 10 मिनट के अंदर आपका इतना ज्यादा लॉस हो जाता है, 200 पॉइंट 200 क्वांटिटी होती है मतलब 40,000 का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन स्कैल्पिंग बहुत ही फास्ट डिसीजन मेकिंग वाला मतलब गेम है, और रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है सो डोंट प्ले दी ऑप्शन एक्चुअली एट ऑल। इन्वेस्टिंग करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करिए, या कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग लीजिए, लेकिन ऑप्शन में प्ले मत करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है 70-80% ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रैप हुए ऊपर के हाई लेवल पे उनका सोचो पूरा मूव पैसा चला गया वहां से और सेलर यहाँ पे जीत गया। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखोगे जो मैंने 34,700 का पुट ऑप्शन लिया था, तो ये पुट ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पे देखना मेरा एंट्री क्या था इसमें, तो 34,700 का जो पुट ऑप्शन था 423 में एंट्री था, कब, 1:20 और 1:21 में एग्जिट कर लिया मैं इसको, ठीक। 1:20 मतलब आप जाओगे यहाँ पे तो 1:20 मतलब यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई, ये है ये कैंडल में, ये कैंडल के टॉप प्राइस में एंट्री हुई, ठीक ना। यहाँ पे देखोगे क्या था पॉइंट, 423 में एंट्री हुई, 423 से ये मेरे को 500-600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, 427 तक गया, फिर उसके बाद रिवर्स होकर तुरंत आ गया यहाँ 400 के लेवल पे। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 400, 300, ठीक। तो अगर इसका ब्रेक डाउन देगा तो क्विक डाउन देगा, और अगर इसको 2-3 बार सुबह से मॉर्निंग से टेस्ट कर चुका था, एक बार टेस्ट किया नीचे आया, फिर टेस्ट किया नीचे आया, तो यहाँ से फिर से दिख रहा था कि अब वो नीचे जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया 400। तो कितने का, 4,500 का लॉस लिया मैंने और 200 क्वांटिटी थी। अगर होल्ड रखता मैं इसी को तो 423 से ये प्राइस नीचे आ गया 350,
के लेवल पे आसपास, तो 50 दो 70 मतलब 14,000 का लॉस हो जाता। और इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है ऑप्शन में कभी भी, मतलब आपको ऐसा प्ले करना है कि आपका हमेशा लॉसेस कम रहे, प्रॉफिट ज्यादा रहेगी। ठीक, तो कभी भी बड़ा अगर आपके एंट्री के बाद मोमेंटम नहीं आता तो बेटर टू एग्जिट, नहीं तो साइडवेज मार्केट हो जाएगा, उसमें भी आपका प्रीमियम डिके होता रहता। तो यहाँ से देखोगे क्विक डाउन साइड है, फिर एग्जैक्टली 350 के लेवल से बाउंस लेके यहाँ पे आया वापस 416 में, और फिर यहीं पे ब्रेकआउट दिया ये। सो ये हुआ क्या, ये एक रेंज बनाया हुआ था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा फास्ट मूव मिलता है। तो ये देखो ये मॉर्निंग से इसमें रेंज बनी हुई थी, जैसे ही रेंज कंप्लीट हुई वॉल्यूम के साथ देखो यहाँ प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। सो दिस इज नोन एज रियल ब्रेकआउट, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया लेकिन फिर इसके बाद देखोगे रेड वॉल्यूम आके नीचे आ गया, मतलब ये ब्रेकआउट फेल है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद देखो ये ऑलमोस्ट 773 के लेवल पे गया था। तो मैं अगर होल्ड भी रखता तो मेरे को यहाँ 14-15 हज़ार का लॉस दिखता, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ तक मेरे को ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के हिसाब से 30 हज़ार तक का प्रॉफिट भी हो जाता इसी सेम ट्रेड में। सो ऐसी आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी रहनी चाहिए। और बहुत लोग मेरे को पिंग कर रहे थे आपका क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल ईयर, ये अभी करंट फिजिकल ईयर का अपन डिस्कस करते हैं। तो 2022 1 जनवरी का लगा हुआ है यहाँ पे, 1 जनवरी 2022, और ये लगा 23 मई 2022। इसको अपन प्ले करते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो ट्रेड डिटेल्स है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लगभग 7 ट्रेड इसमें गया हुआ है मेरे लॉस में, और बाकी उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा जनवरी मंथ ग्रीन में था जो भी ट्रेड किया। फिर उसके बाद ये भी अभी तक मई मंथ ग्रीन में चल रहा है, जबकि मई मंथ सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हुआ है और सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। और यहाँ पे देखोगे 57.81 का नेट प्रॉफिट हुआ है, और चार्जेस और ये सब डिडक्शन करके 48,000 का नेट प्रॉफिट मिला हुआ है। सो मेन क्या है कि अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो वेरी इजिली आप 0.5 to 1% जनरेट कर सकते हैं, मतलब 500 से 1,000 रुपए। लेकिन कब कर सकते हो, जब आप सीख लियो समझ लियो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना समझ गए, आप साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो गई तब, नहीं तो आप 1 करोड़ भी लेके आओ 10 करोड़ लेके आओ दैट विल गो टू जीरो। ठीक, तो ऐसे ही मैं ऑप्शन की क्लासेस चलाते रहूंगा और सिखाऊंगा आपको, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी मेरा 1.5 to 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद लर्निंग रही तो वो सारा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द चैनल। जब भी मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको फुल जितना भी नॉलेज है सब चीज शेयर करते जाऊंगा, एंट्री कैसे बनाना चाहिए एग्जिट कैसे बनाना चाहिए जो भी अंदर का लॉजिक है ट्रेड डिटेल्स है। और ये अभी ऊपर मैं आपको सब समझाते जा रहा हूँ जितना भी मतलब नॉलेज है, और उसके बाद ट्रेड कैसे लेना चाहिए साइकोलॉजी पॉइंट कैसा होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए वो जब अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1,000 तब मैं फिर उसको समझाना चालू करूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड, लव योर मॉम एंड डैड, थैंक यू गाइज, टेक केयर।